PMGC is just around the corner and so is BGIS. But ये सबसे पहले एक confusion चल रही है that क्या BGIS से पहले क्या Hydra अपना BGMI का roster reveal करने वाली है and अगर roster reveal करने वाली है तो उस roster में कौन कौन खेलने वाला है. अगर वो अपना roster जल्दी ही reveal नहीं करते तो क्या उन्हें BGIS का invite मिलेगा and क्या BGIS से कोई एक team को invite मिलने वाला है for PMGC. ये सारे topics के बारे में आज हम बात करने वाले हैं इन Good Game News by Sports Chakila. मैं हूं चकीला. Let's begin the action. तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अबाउट ऑल दी हेल हाइड्रा ऑडियंस वॉचिंग द वीडियो. पिछले एपिसोड में हमने आपको बताया था दैट हाइड्रा का बहुत जल्दी एक अनाउंसमेंट आने वाला है फॉर देयर बीजीएमआई लाइनअप, बट अभी तक कुछ ऑफिशियल नहीं आया है. हाँ, डायनामो ने अपनी लाइव स्ट्रीम में जरूर कहा था दैट सारे के सारे फैंस सारे के सारे टूर्नामेंट के चैट बॉक्स में हेल हाइड्रा और ड्रैगन बनाने के लिए तैयार हो जाइए एंड इट वॉज अ हिंट दैट हाइड्रा का बीजीएमआई रोस्टर इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर. बट द क्वेश्चन इज दैट क्या हाइड्रा बीजीआईएस से पहले अपना लाइनअप अनाउंस कर देंगे या नहीं. अगर वो नहीं करते तो डेफिनेटली दे आर नॉट प्लेइंग इन द बीजीआईएस. दैट इज गोइंग टू बी अ गोल्डन टिकट वेलकमिंग हाइड्रा ईस्पोर्ट्स बैक इनटू द गेम. अब आज के दूसरे टॉपिक में भी हम बात करने वाले हैं अबाउट हाइड्रा ईस्पोर्ट्स एंड उनको कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं अपने लाइनअप को रिवील करने में. एंड ऋषभ और डायनामो यही कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हुए पाए गए एक रीसेंट लाइव स्ट्रीम में. आइए आपको दिखा देते हैं उन्होंने क्या कहा. 16 टीम में से ओनली एक टीम क्वालिफाई होगी सेमीज. लव फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश सेमीज के लिए. हाँ, सेमीज के लिए 16 में से सिर्फ एक. तो बाकी की क्या, बाकी सारी इनवाइटेड होती है ना ब्रो. ओ अच्छा ओके 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 गॉट इट गॉट इट गॉट इट. स्कूल गुंबा मोरा बहुत खेलना है तो 16 में से क्वालिफाई करो. प्रॉपर T1 जो है उनको छोड़ के बाकी सबको ऐसा दो. यहाँ पता है 32 टीम्स को इनवाइट जाता है, 30 टीम को इनवाइट जाता है, 28 टीम. सही बात है, सही बात है. अब आज के तीसरे टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं एंड दिस इज द टॉपिक दैट द कंप्लीट BGMI कम्युनिटी इज आइंग अपॉन. हम लोग बात करने वाले हैं PMGC और PMGC में इंडियन स्लॉट्स के बारे में. अब हाल में ही एक इंटरनेशनल इवेंट में इंटरनेशनल कास्टर्स बात करते हुए सुनाई दिए गए अबाउट इंडियन टीम्स एंड कैसे इंडियन टीम्स पूरे के पूरे इंटरनेशनल गेमिंग इकोसिस्टम में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं. इन्हीं कास्टर्स के द्वारा हिंट किया गया अबाउट द पॉसिबल इनवाइट्स दैट द इंडियन टीम्स माइट गेट इन PMGC. हाँ, साथ ही साथ उन्होंने कुछ पुरानी मेमोरीज को भी रिकॉल किया जहां पे वो लोग बात करते हुए सुनाई दिए गए स्काउट के क्लच के बारे में इन PMWI. आइए आपको सुना देते हैं सारी की सारी गुफ्तगू एंड आपको क्या लगता है आफ्टर लिसनिंग टू दिस हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा. Thinking about PMGC because also you have some special invites happening and I almost don't want to say because I don't want to get like someone to come to me and be like oh no you can't say that but like EGMI is back. Ooh. India. I mean, yeah. I think people who might have joined like PUBG Mobile Esports recently don't realize like India was a massive powerhouse in PUBG Mobile. And I kind of wonder, is that region potentially going to get an invite? So a team from that I region, hope they do. I would love to see. Yeah. I mean, they got it last year for PMWI and now chances are potentially PMGC, there's going to be an option. I don't remember to get seeing in. Team Soul here, no. Yeah, I don't remember that. About. They weren't here. We didn't play at the same event, I think. Well, they weren't. Yeah, I don't know. I think that would be great to see. Obviously, it's been kind of unfortunate we haven't had them around in the global esports of PUBG Mobile. But you know what? I have some faith and I have some hopes for them because they have so many good players. We talked about like regions and the caliber of players you have. I think India is definitely one of those where they can throw a big spanner in the works to some of these teams. The only downside is they've kind of been out of the works for a That's while. The only so problem. They have to play a lot of catch up. But I think we saw that actually. I cannot remember the team. Katak was a part of it. They came into PMGC and they won Godlike Entity, Godlike? I think it was. Yeah, yeah. They won one match at the very end. Well, at that time it was TSM Godlike, if I'm not mistaken, something like that. Yeah. But yeah, but then even last year, right, in PNWI, you could see them not being able to play the game as much as other people have been able to. You can see a bit of a drop off there in performance, but then every now and then, if I remember, I think Scout was able to clutch up at one point and have a really great play. So it comes down to just as soon as those players just keep on having those repetitions, right, continuing to play, continue to have more tournaments on their region too, it's gonna allow them to maybe be at the potential where they need to be to actually go into PMGC. So hopefully they do end up getting an invite. If they do make it to PMGC, they would have half a year to try and catch up compared to what they had PMWI last year. Exactly. आज के अगले टॉपिक में हम लोग बात करने वाले हैं about yet again another great exposure for BGMI and it is going to be another LAN event that is going to be aired live on television. यानी कि एक और
और लैन इवेंट जो कि टीवी पे एयर होने वाला है। आपको याद होगा बीजीएमआई के बैन होने से पहले नॉर्डविन गेमिंग का वो लैन इवेंट जो कि टीवी पे एयर हुआ था एंड पूरे इंडिया ने उस टूर्नामेंट को टीवी पर बैठ के देखा था। एंड येट अगेन इट इज टाइम फॉर अनदर बिग शेकर फ्रॉम नॉर्डविन गेमिंग। हालांकि एक इंस्टाग्राम पोस्ट आती हुई दिखाई दी है नॉर्डविन गेमिंग की तरफ से जहां पर उन्होंने एक पिक्चर डाली है जहां पर एक डेजर्ट में रेत के नीचे शायद से एक ट्रॉफी आती हुई दिखाई दे रही है। नीचे उन्होंने लिखा है चेंज द गेम स्टे ट्यून्ड। कैप्शन की बात करें तो वहां पर उन्होंने लिखा है प्रिपेयर फॉर द बीजीएमआई शेकअप वी आर ब्रिंगिंग समथिंग बिगर बेटर एंड ईपीआईसी एपिक। सो इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं आज के आखिरी टॉपिक के बारे में जहां पर टीम 8-bit और उनकी परफॉर्मेंस पे जो एलिगेशंस लगाई गई थी फ्रॉम द सो कॉल्ड क्रिटिक्स वो यहां पे धुलती हुई दिखाई दे रही हैं बाय 8-bit's करंट परफॉर्मेंस। कुछ एलिगेशंस लगाई गई थी 8-bit के ऊपर दैट वो लोग करंट टूर्नामेंट्स में कोई भी स्लॉट डिजर्व नहीं करते हैं एंड आफ्टर द एक्सप्लोसिव परफॉर्मेंस बाय टीम 8-bit सिड ने कुछ रिप्लाई किया है अबाउट द क्रिटिक्स। आइए आपको सुना देते हैं उन्होंने क्या कहा। 8-bit took the why 8-bit invited question personally. Bro, ये विलेजर चल रहा है ना, ये विलेजर चल रहा है ना। 8-bit was not invited, brother. 8-bit came from the fucking quarter finals. जो स्लॉट जो ना, एक सेकंड मेरे को कंफर्म करने था, बट आई एम प्रीटी श्योर 8-bit came from the qualifiers. क्या हुआ जो बज रहे थे फ्री स्लॉट, स्लॉट क्यों दिया, ये क्यों दिया, वो क्यों दिया, लॉल 8-bit, लॉल 8-bit क्वालिफाई करके आए, क्वार्टर से क्वालिफाई करके आए, बस 18 गेम से 8-bit ऑलमोस्ट जीत गया अब टूर्नी अनलेस बिगेस्ट शॉक हैपनिंग। ब्रो व्हाट द फक आर यू सेइंग यार ब्रो, 18 गेम से 4 या 5 गेम हुए हैं अभी तक, सिर्फ 3 दिन का ये फाइनल है, 4 दिन का है ब्रो, 1/3 इवेंट खत्म होगा अभी एक मैच बाद, 8-bit नहीं जीता है अभी तक इवेंट। मतलब तुम लोग ना जो हवे में चढ़ाने का काम करते हो ना लोगों को, मत किया करो, 1/3 इवेंट हुआ है अभी तक, बस 1/3 भी नहीं हुआ अभी तक, एक और मैच बाकी है, उसके बाद 12 गेम्स बाकी है, 12 गेम में कुछ भी हो सकता है, अभी तक कुछ खत्म नहीं हुआ है, बहुत कुछ बाकी है, सर पे मत चढ़ाओ, चुपचाप खेलने दो उनको। So this is it for the information जो हम लोग आपके लिए लेकर आए थे आज के एपिसोड में ऑफ गुड गेम न्यूज बाय स्पोर्ट्स कीड़ा। अगर आप लोग e-sports की और भी इन्फॉर्मेशन से रूबरू रहना चाहते हैं तो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल ताकि आप लोगों के फिंगर टिप्स पे हमेशा e-sports की सारी इन्फॉर्मेशन रहे।